नमस्कार, आप देख रहे हैं जॉन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा बारीक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। विकास के नए आयामों को छूते उत्तराखंड में देश के दिग्गज नेताओं के दौरे और बैठकों का दौर जारी। सीएम धामी का है संकल्प, 2025 तक उत्तराखंड बने देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य। सीएम धामी पहुंचे पिथौरागढ़, पुलिस जवानों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का लिया जायजा, कहा पीएम इस बार भी करेंगे कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। उत्तराखंड कांग्रेस का बड़ा ऐलान, सरकार बनने पर बिहार की तर्ज पर प्रदेश में कराई जाएगी जातीय जनगणना। बीजेपी ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा कांग्रेस ने की है देश के बंटवारे की राजनीति। उत्तराखंड आवास नगर विकास प्राधिकरण की 17वीं बोर्ड बैठक विधानसभा में संपन्न। बैठक में हुआ निर्धारित हर महीने में हो तीन बैठक, हर तीन महीने में हो बैठक। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अधिकारियों को दिए निर्देश। और शराब नीति के विरोध में कांग्रेस ने सरकार का फूका पुतला की नारेबाजी, बीजेपी ने किया पलटवार। नीति के विरोध में 6 महीने बाद जागी कांग्रेस पार्टी। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में देश के बड़े नेताओं के दौरे और बड़ी बैठकों का दौर जारी है, जिसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संकल्प, 2025 तक उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने में राह में मजबूत बनता नजर आ रहा है। वजह साफ है, पीएम मोदी और केंद्र सरकार का उत्तराखंड पर विशेष रूप से ध्यान, इससे उत्तराखंड विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। ये देखिए एक रिपोर्ट। बीते दिनों गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई मंत्रियों के दौरे उत्तराखंड में देखने को मिले। आगामी 12 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आ रहे हैं, जिसे केंद्र और राज्य सरकार पर प्रदेश की जनता का भरोसा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं देश भर की महत्वपूर्ण बैठकें जैसे स्वास्थ्य चिंतन शिविर, क्षेत्रीय मध्य परिषद की बैठक, G20 की 3 बैठक सहित कई महत्वपूर्ण बैठकें उत्तराखंड में आयोजित हो चुकी हैं और आगे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट सहित 6ठा वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन उत्तराखंड में आयोजित होने जा रहा है, जिसका नेतृत्व खुद सीएम धामी कर रहे हैं। बैठकों में उत्तराखंड के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं, ताकि उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का सीएम पुष्कर सिंह धामी का संकल्प हकीकत हो सके। दिसम्बर माह में होने वाली इन्वेस्टमेंट समिट से भी देवभूमि की जनता को काफी उम्मीदें हैं। समिट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश की जनता को रोजगार, विकास, आधारभूत संरचना और टूरिज्म को मजबूती का तोहफा देने जा रहे हैं। उत्तराखंड में निवेश होने से यहां की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को और बेहतर किया जा सकेगा। अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो जहां बीजेपी नेताओं और संगठन को बड़े नेताओं के दौरे और बड़ी बैठकों से आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जोश प्राप्त हो रहा है, वहीं कांग्रेस इसे बीजेपी का निजी कार्यक्रम बताकर बड़े नेताओं के दौरे से उत्तराखंड का कोई उधार ना होने की बात कर रही है। प्रदेश में चल रहे विकास कार्य को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बीते दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पीठ भी थपथपाई है, जिसे केंद्र सरकार का पूरा विश्वास राज्य सरकार पर नजर आ रहा है और उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने को लेकर केंद्र सरकार लगातार हर संभव मदद धामी सरकार की कर रही है। वहीं सीएम धामी के मंत्रियों के कार्यप्रणाली उत्तम होने से राज्य सरकार बेहतर कार्य कर रही है। मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन से मुख्यमंत्री धामी सहित प्रदेश के मंत्री इससे सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने में लगे हुए हैं, साथ ही बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कों की कनेक्टिविटी, रोजगार और विकास की राह में हमारे प्रदेश आगे बढ़ते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ की उस धरती से कहा था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस उत्तराखंड को
सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। और हमें माननीय मोदी जी का बारंबार आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, विकास योजनाओं के द्वारा भी, उनके आशीर्वाद के द्वारा भी, और विभिन्न माध्यमों से उनके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ रहे हैं। वहीं खटीमा से कांग्रेस के विधायक और विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने उत्तराखंड में हो रही तमाम बैठकों और बड़े नेताओं के दौरे को विफल बताया है। उन्होंने कहा है कि इससे प्रदेश की जनता को कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। स्वास्थ्य व्यवस्था पहाड़ों से लेकर मैदानी क्षेत्र तक यूं ही बदहाल नजर आ रही है। वहीं इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर सरकार को बेहतर व्यवस्थाएं बनाने की बहुत जरूरत है। बैठक होना अच्छी बात है, बैठक के बाद मिला क्या, राज्य को क्या मिला, ये महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक होती है, प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था खस्ता हाल है। डेंगू में आपने देखा होगा कि सैकड़ों की संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवा दी इलाज न होने के कारण। हमारे प्रदेश में 13 जिले हैं, 70 विधानसभाएं हैं, 90-98 तहसीलें हैं। सिर्फ 5 जगह पर सरकारी संस्थानों पर प्लेटलेट्स आप चढ़ा सकते हैं। तो आप समझिए, अगर इस बैठक के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था कुछ मजबूत होती है, हमारे पहाड़ों के अस्पताल रिफर सेंटर बनकर रह गए। बड़े नेताओं के दौरे और बड़ी बैठकों से बीजेपी को कहीं न कहीं मजबूती मिलती हुई नजर आ रही है, जिसे धाकड़ धामी के संकल्प 2025 तक उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प पूरा होता नजर आ रहा है, जिससे कांग्रेस के अंदर एक हल्की बौखलाहट नजर आ रही है। अब देखना होगा कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में कितना फायदा बीजेपी को इन बैठकों और बड़े नेताओं के दौरे से पहुंचेगा। देहरादून से हिमांशु परमोला की रिपोर्ट। उत्तराखंड आवास नगर विकास प्राधिकरण की आज 17वीं बोर्ड बैठक विधानसभा में संपन्न हुई। बैठक में विभागीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि एक साल बाद ये बैठक हुई है, इसमें निर्धारित किया गया है कि हर 3 महीने के बाद बोर्ड की बैठक हो, ताकि लंबित कार्य तेजी से किए जा सके। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि लंबित कार्यों की DPR को लेकर भी अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है कि इसका काम समय पर पूरा किया जाए। उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, जिसे हम संक्षेप उड्डा भी बोलते हैं, उसकी 17वीं बैठक बोर्ड की आज यहाँ पे थी। और चूंकि ये बहुत दिनों बाद ये बैठक हुई, सबसे पहले तो मेरे द्वारा बोर्ड में ये कहा गया कि हम लगभग हर 3 माह में इस बैठक को करेंगे, क्योंकि लगभग ये बैठक हमारी 1 साल के बाद हो रही है। तो 3 माह में हम लोग बैठक करेंगे, जो भी बिंदु हमारे सामने हैं उस पर हम चर्चा करेंगे, यानी कि कोई विषय लंबा पेंडिंग नहीं होना चाहिए। बोर्ड के कारण यदि कोई विषय लंबित होता है तो संबंधित व्यक्ति को भी परेशानी होती है। शराब नीति के विरोध में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राजधानी देहरादून में सरकार का पुतला फूंका और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना है कि सरकार को रोजगार देने के लिए कदम उठाना चाहिए। वहीं भाजपा ने कांग्रेस पार्टी के विरोध प्रदर्शन पर पलटवार किया। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा सोई रहती है, उसे पता नहीं चलता कि सरकार क्या काम कर रही है। 6 महीने पहले सरकार ने नीति में बदलाव किया था, अब कांग्रेस पार्टी को इसकी याद आ रही है। सरकार युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध दिलाने के लिए काम कर रही है। हमारा ये कहना है कि आप बेरोजगारों को रोजगार तो हर घर में दे नहीं सकते हैं, लेकिन शराब के लाइसेंस आप बांट रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि हमारे युवा बिल्कुल शराब में इतने बेसुध हो जाएं कि अपना पढ़ना लिखना रोजगार काम सब भूल जाएं, बिल्कुल शराब में इस तरह से लिप्त हो जाएं घर घर? आप ये क्या है, जब आप रोजगार नहीं दे सकते, गरीबों को खाना नहीं दे सकते घर घर, तो आप शराब के लाइसेंस देने का आपको अधिकार किसने दिया कि आप घर घर शराब के लाइसेंस बांटते फिरें? आप जो रोजगार दीजिए बच्चों को, घर घर महिलाओं को रोजगार दीजिए। ये शराब के लाइसेंस देने वाला, ये हमारी समझ में ये भाजपा का ये वो नहीं आया कि सिर्फ सरकार 12,000 रुपये के रूप में सिर्फ पैसा कमाना चाहती है, चाहे हमारे उत्तराखंड का जो भविष्य है वो बेरोजगारों का समाप्त हो जाए, घर में जो लड़ाई। सह 6 महीना हो गया इस आबकारी नीति को आए हुए, और ये जो पॉलिसी है ये भी काफ़ी दिन पहले लागू हो चुकी है। इनको 6 महीने बाद ये कैसे याद आ रहा है कि अब हमें प्रोटेस्ट करना है, कि अब हमें क्या करना है? क्या इन्होंने पहले पढ़ा नहीं था कि आबकारी नीति में क्या आने वाला है या क्या नहीं आने वाला है? ये समय देखकर, चीजें देखकर, चुनाव देखकर कोई नया आडंबर रचने के काम के अलावा
कांग्रेस पार्टी को कुछ भी नहीं आता है। मैं उनको यही राय दूंगी कि कृपया अपने संगठन पर ध्यान दें और बेमतलब के सवाल और बेमतलब के प्रोटेस्ट करना बंद करें, क्योंकि इससे इन्हीं की छवि धूमिल हो रही है, जैसे पहले भी धूमिल होती नजर आ रही थी और धूमिल हो रही है। देश में 10 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत डाक योजनाओं को उन क्षेत्रों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है जहां डाक विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी पहुंच पाती है। इसके साथ ही राष्ट्रीय डाक सप्ताह के जरिए उत्तराखंड के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में कई कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे, जिसके लिए डाक प्रदर्शनी, स्कूली बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाना है। उत्तराखंड डाक सेवा डायरेक्टर ने बताया कि प्रदेश में डाक विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में चौपाल कार्यक्रम भी आयोजित करेगा, जिससे गाँव में वित्तीय समावेश को बढ़ाया जा सके। पहले जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी यूज होती थी वो 2G या 3G सिम बेस्ड थी। अभी जो है चूंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो चुके हैं, इसलिए जो है अभी 1 अक्टूबर से पुरानी जितनी डिवाइसेस थी उनको समाप्त करने के बाद उनको नए मोबाइल जो कि 5G एनेबल्ड हैं और साथ में जो है दूसरे चरण में उनको टैबलेट दिए जाने हैं, तो जो 4G और 5G जो सुविधा उनको मुहैया कराए जाने के बाद निश्चित रूप से जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो नेटवर्क की अभी तक समस्या हुआ करती थी वो जो है दूर हो जाएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमारे पोस्टल फैसिलिटी जो है वो बनेंगी। लोहीवाला ब्लॉक सभागार में विकास खंड स्तरीय युवा महोत्सव 2023-24 का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों की तमाम महिला और युवक दलों की टीमों ने प्रतिभाग किया और अपनी प्रतिभा दिखाई। तो वहीं मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत सभी 36 ग्राम पंचायत से मिट्टी को इकट्ठा कर एक बड़े कलश में रखकर देश के बलिदानों को समर्पित किया। आपको बता दें कि ब्लॉक स्तरीय इस महोत्सव की विजेता टीम जिला स्तर और प्रदेश स्तर पर प्रतिभाग करेंगी और उसके बाद इन ग्रामीण प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले महोत्सव में भाग लेने का मौका मिलेगा। बहुत सुंदर लगा, ये हमारे जो महिला मंगल दल हैं हम रायवाला से आ रखे हैं और यहाँ पर हमें एक मौका मिल रहा है स्टेज तक जाने का और हम चाहते हैं कि आगे इसी तरह स्टेज में महिलाएं बढ़ती रहीं और आज तो ब्लॉक लेवल पर आई हैं, आगे स्टेट लेवल तक और मतलब जिला लेवल तक और पूरा स्टेट तक जाएं हमारी महिलाएँ। रुड़की में श्री रामलीला समिति की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें बताया गया कि इस मौके पर इस बार विजयदशमी के मौके पर रावण कुंभकर्ण सहित डेंगू का पुतला भी दहन किया जाएगा ताकि देश से डेंगू पूरी तरह से खत्म हो जाए। समिति के महामंत्री सौरभ सिंघल ने बताया कि इस बार 15 दिन चलने वाले रामलीला के मंचन पर मुंबई और दिल्ली के टीवी कलाकारों को बुलाया जाएगा, जिसमें पुरुषों का रोल पुरुष और महिलाओं का रोल महिलाएं ही करेगी और ये रामलीला उत्तराखंड की सर्वश्रेष्ठ रामलीला होगी। हमारे संरक्षक हमारे जैन साहब हमारे साथ में आएंगे, प्रदीप बत्रा जी भी आने वाले हैं, यहाँ पर सुबोध जी अध्यक्ष है हमारे। राम मिलाप की बार बहुत अच्छी होने वाली है, टीवी कलाकार मुंबई और दिल्ली के सुप्रसिद्ध कलाकार और महिला पात्र में महिला लड़कियां बहुत सुंदर कलाकार यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। आपको लगेगा कि जो ये मंच है इसमें जो पुराना रामलीला का जो स्ट्रक्चर हो चुका उसे चेंज करके ये बिल्कुल टीवी कलाकार जैसे ऐसे लगे जैसे टीवी देख रहे हैं। हमने पहले भी इसका एक्सपेरिमेंट करा था, लोगों ने कहा था कि भैया ऐसा आता है बिल्कुल जैसे टीवी चल रहा हो। रुड़की के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, 125 साल से चलेगी, मतलब विजयदशमी का भी प्रोग्राम है, उत्तरा दहन है, ये सब रहना है। और मैं तो बधाई देता हूँ आयोजन समिति को, वो इतनी मेहनत से इतना बढ़िया प्रोग्राम करते हैं और इस रामलीला को जो सुभाष की रामलीला है इसको कहां से कहां पहुंचा दिया, इतनी ऊंचाई पर पहुंचा। काशीपुर में जमीन की धोखाधड़ी को लेकर कोतवाली पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने नगर क्षेत्र के कई लोगों के साथ करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की घटनाओं को अंजाम दिया। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि उक्त भूमाफिया लंबे समय से क्षेत्र में धोखाधड़ी कर लोगों से जमीन के नाम पर मोटा पैसा बटोर कर काम कर रहा है। फिलहाल मामला गंभीर देखते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। और उसके बाद विवेचना भी उसमें होती है, लेकिन अक्सर कई मामलों में जो ये पक्ष होता है जिसने धोखाधड़ी की होती है ये वादी पक्ष पे दबाव डालकर या वापस उसके पैसे देने का लालच देकर उसको अक्सर मुकदमों को क्वैश करा लेते हैं, इवन चार्जशीटेड मुकदमों को क्वैश करा लेते हैं
और इस प्रकार की कार्रवाई थोड़ी कम हो जाती है, बाद में ये लोग फिर से अपना गिरोह बनाकर अन्य लोगों को टारगेट करते हैं। तो इसमें एक तो हम लोग की अपील भी है कि अगर आपके पास ऐसा हुआ है, पुलिस ने उस पर अपनी कार्रवाई की है। केरल में निपा वायरस का प्रकोप बढ़ने से उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया है। केरल से उत्तराखंड आने वाले और जाने वाले लोगों पर विभाग द्वारा खासी नजर भी रखी जा रही है। कोविड की तरह ही निपा वायरस भी एक से दूसरे को संक्रमित कर सकता है। केरल में 6 मरीज मिलने और 2 मरीजों की मौत के बाद देश के कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। इसकी अब तक कोई दवा या वैक्सीन नहीं बनी, वहीं लक्षण के आधार पर ही इलाज होता है। उमस और गर्मी वाले इलाकों में ये ज्यादा तेजी से फैलता है। दून अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया, निपा वायरस के मामले उत्तराखंड में अब तक सामने नहीं आए हैं। फिलहाल के लिए खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत मेरी माटी मेरा देश कलश यात्रा को लेकर रुड़की ब्लॉक में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने शिरकत की। कार्यक्रम में रुड़की ब्लॉक के 45 ग्राम सभाओं से माटी कलश यात्रा पहुंची थी। वहीं इस दौरान देश की आजादी में बलिदान देने वाले शहीदों को भी याद किया गया। निशंक ने कहा कि 1857 की क्रांति से पहले 1822 में हरिद्वार के कुंजा बहादुरपुर गांव आजादी का बिगुल बज चुका था, जिसमें 152 के जवानों को रुड़की के वट वृक्ष पर फांसी दी गई थी। उन्होंने कहा कि शहीदों के नाम की मिट्टी दिल्ली जाएगी और वहां अमृत वाटिका बनेगी, जो कि एक अद्भुत होगा। इनमें हरिद्वार रुड़की ब्लॉक की मिट्टी शामिल होगी। चालीस ग्राम सभाओं के सारे गांव-गांव से हमारे ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत के सदस्य और उनके प्रतिनिधि सब माटी को लेकर के यहाँ ब्लॉक मुख्यालय पर आए हैं। पूरे देश के अंदर ये वातावरण चल रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है, जो हमारे जिन्होंने अपने कुर्बानियों को दिया है देश की खातिर, उनको याद करना, जो भूले बिसरे हमारे ऐसे शहीद हैं उनको भी ढूंढ करके वो अपनी पीढ़ी तक उनके नाम को लेकर के जाना। और हम तो सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जो ये हरिद्वार जिला है, ये तो जब 1857 की क्रांति से भी पहले 1822 में राजा विजय सिंह जी ने और उनके जो सेनापति थे कल्याण सिंह जी। नगर निगम 5 साल बाद मलिन बस्तियों से हाउस टैक्स वसूलने जा रहा है। इसमें शहर की 129 बस्तियों के कुल 40,000 घरों को शामिल किया गया है। मेयर सुनील उनियाल गामा का कहना है कि मलिन बस्तियों में भवन कर जमा कराने के लिए शिविर लगेंगे। इसके साथ ही निगम कार्यालय में भी जमा कराया जा सकता है। टैक्स में दो चीज है, एक तो कुछ बस्तियों में 2014 से टैक्स नहीं लिए गए, कुछ बस्तियों में 2016 से नहीं लिए गए। ऐसे में अगर वो टैक्स जो है एक साथ उनसे लेंगे तो उन पर ब्याज भी बहुत लगेगा, इसलिए बोर्ड ने निर्णय किया था कि हम इस टैक्स को जो है एक वित्तीय वर्ष का जो है हम उनसे टैक्स लेंगे, तो एक साल का ही हम उनसे टैक्स ले लें ताकि उन पर जो है वित्तीय भार भी ना पड़े और वो अपना टैक्स जो है जमा कर सकें। टैक्स में दो चीज़ है। हल्द्वानी में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक रावत ने बताया कि ड्रग फ्री उत्तराखंड के संकल्प को लेकर युवा मोर्चा द्वारा आगामी 15 अक्टूबर से प्रदेश भर में खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक विधानसभा में होने वाले इन कार्यक्रमों में 2 खेल एक विधानसभा में होंगे, साथ ही प्रदेश भर में इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और युवा मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों को प्रत्येक जिले में प्रभारी बनाया जाएगा। शशांक रावत ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नशा मुक्ति उत्तराखंड अभियान को बल देने के लिए युवा मोर्चा द्वारा ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की एक परिकल्पना है और हमारा भी संकल्प है
कि देवभूमि उत्तराखंड एक ड्रग फ्री राज्य के रूप में उभरे, तो इसी को ध्यान में रखते हुए खेल महाकुंभ का आयोजन भारतीय जनता युवा मोर्चा अभी 15 तारीख से करने जा रही है। ये एक विधानसभा स्तरीय कार्यक्रम होगा। हर एक विधानसभा में कम से कम दो कार्यक्रम और दो खेलों का आयोजन भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा किया जाएगा। तो उसमें कहाँ कहाँ से बच्चे आएंगे, पार्टिसिपेट किस तरीके से करके रूपरेखा बनाएंगे? इसमें हमने विधानसभा प्रभारी नियुक्त किए, प्रदेश पदाधिकारी, ये मंडल स्तर पर जाकर बैठक रखेंगे और जितने भी सभी युवाओं के अपने संपर्क रहते हैं इसमें गूगल रजिस्ट्रेशन के माध्यम से सबका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, ताकि हमारे पास भी एक डेटा बैंक के माध्यम से, जैसा कि विषय आया है कि उनका रिकॉग्नाइजेशन, कि आगे भी वो बढ़े और हमारे जितने भी राज्य सरकार हैं हम उसको उनको भी बताएं कि जितने भी हमारी प्रतिभाएं हैं संगठन के द्वारा हम उनको भी एक्नॉलेज करने की कोशिश कर रहे हैं। स्कूल बस ड्राइवर को प्रशिक्षण देने के बाद अब आरटीओ देहरादून स्कूल वैन ड्राइवर को प्रशिक्षण देने की पहल करने जा रहा है। चूंकि अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि स्कूलों की छुट्टी के वक्त शहर में जाम की समस्या बन जाती है, जिसके चलते ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए आरटीओ इस पहल को करने जा रहा है। इसके साथ ही आरटीओ स्कूल वैन चेकिंग अभियान भी मंगलवार से शुरू कर दिया गया। तो ये सबसे पहले तो देहरादून में हमारे यहाँ दो तरह के वाहन स्कूल से संबंधित हैं। पहले स्कूल बसेस जो स्कूल के नाम पर है, इसके अलावा छोटी वैन्स हैं जिनकी संख्या लगभग 500 से 550 है, जिनके माध्यम से बच्चे जाते हैं। आरटीओ के माध्यम से हम लोग सबसे पहले वाहनों का वेरिफिकेशन कर रहे हैं और उनको एक परेड ग्राउंड पर बुलाया जाएगा। ये प्रोग्राम चलेगा मंगलवार से, जो 3 बजे से लेकर 6 बजे तक इन वाहनों का वेरिफिकेशन होगा। इस दौरान ये देखा जाएगा कि स्कूल वैन अंदर से ठीक है कि नहीं, उसके कागज ठीक है कि नहीं, उसकी बॉडी में कोई जैसे बॉटल रखना या सीबीएसई की जो गाइडलाइंस है उसके अनुरूप है कि नहीं। उसके साथ साथ हम लोग ड्राइवर का भी वेरिफिकेशन करेंगे कि उसके पास लाइसेंस है, और उसको हम काउंसलिंग भी करेंगे कि स्कूल के बच्चों को ले जाते वक्त किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मुख्यतः काउंसलिंग में 2 चीज़ें कवर करेंगे हम, एक तो रोड सेफ्टी के बारे में बताएंगे और उतना ही जरूरी हम बताएंगे कि ट्रैफिक कॉन्जेशन जो सुबह होता है कैसे वो गाड़ी चलाएं जिससे कि सुबह सुबह सड़कों पर ट्रैफिक कंजेशन ना हो। पिछले साल की तरह इस साल भी बद्री विशाल के धाम में रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। अभी भी धाम में हजारों की तादाद में तीर्थयात्री मौजूद हैं। आपको बता दें कि बद्री विशाल के धाम में अब तक 14 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। हर दिन हजारों की तादाद में तीर्थयात्री यहाँ पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों में काफी खुशी का माहौल बना हुआ है। इसके साथ ही तीर्थयात्री दर्शन के लिए मंदिर प्रांगण के सिंह द्वारा से लेकर लंबी लाइनों में खड़े हुए देखे जा रहे हैं, जिसकी वजह से तीर्थयात्रियों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ब्रह्म कपाल में तीर्थयात्री अपने पितरों का पिंडदान कराने के लिए पहुंच रहे हैं। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर।